माँ चीकू की खोली आई है और मेरा मकान मालिक मेरे बच्चा लोग के साथ मेरे को घर से तक के देकर बाहर निकाल रहा है। भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है ना मेरे पास, तो क्या करेगी बोलो। अरे कौन है रे तू, काय को इधर आके जांच पड़ताल कर रही है? तेरी भी कोई उधारी बाकी है क्या? मैं कौन हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है पैसा, जो तुम्हारे पास नहीं है और मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हर साल दिवाली में जोशी परिवार की बहुएं अपने हाथों से मिष्ठान और फरसान बनाती है। सालों से चली आई परंपरा है हमारी, पर इस साल ये परंपरा टूट जाएगी। नूपुर तो कुछ बनाएगी नहीं और कामिनी को कुछ आता नहीं है, इसलिए बाजार से ही मंगवाकर काम चलाना पड़ेगा। परिवार के टूटने का पहला कदम है परंपराओं का टूटना। मैं कोशिश तो कर रही हूँ बनाने की, पर मेरे घुटने में दर्द नहीं होता तो मैं किसी का मुंह नहीं देखती। तू बराबर सोची चीकू, दादी को यही मांगता है। टप टप करना है तो चीकू गिरी करनी पड़ेगी, पर क्या? बेटा, सावित्री जी ने सामने से खुद फोन करके हमें यहाँ बुलाया है, कहा कि वो क्षमा प्रार्थी है। यही तो त्योहारों की खासियत होती है, इतनी शक्ति होती है कि दिल से गुस्से की मैल निकालकर खुशियां भर देते हैं। गुटी, देख बेटा, प्यार तो तू भी करती है इस परिवार से, तो फिर इस लड़ाई झगड़े का क्या फायदा? देख, सावित्री जी ने पहल की है, अब तेरी बारी है बेटा। दिल से खटास निकालकर परिवार में मिठास घोल दे बेटा। बाबा, डिवोर्स पेपर्स पे साइन हो चुका है। त्योहार का मान रखना अलग बात है, पर इससे जो सच है उसे तो नहीं बदला जा सकता है ना। और सच ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता। रिश्तों का सच कागज पर नहीं लिखा जाता बेटी, दिल की जबानी समझा जाता है। कागज मत पढ़, अपने दिल की बात सुन। दिल जिस रास्ते पर चलाए उस पर चल बेटा, फासले अपने आप मिट जाएंगे। अरे चीकू बेटा, चीकू आप यहाँ पे क्या कर रही हो बेटा? वो आपकी आई बड़ी है ना नूपुर आंटी, तो उनके पैर दबा रही हूँ, उनके घुटनों में दर्द रहता रहेगा ना। चीकू मुझे साफ साफ बताइए क्या बात है, क्या बोलना चाह रही हैं? वो मैंने ना सुना नूपुर आंटी, दादी ना दादू को बोल रही थी कि हर साल की तरह ना इस साल भी दिवाली पे फरसान बनना चाहिए, पर क्या है ना इस साल कोई बनाने वाला है ही नहीं। अभी आप तो बनाओगी नहीं, और वो गरम दवा कामिनी आंटी वो तो खाली हूल पट्टी देते हैं, खाली हवाबाजी जाती है, उनको फरसान बनाने को नहीं आता है। इसके लिए ना दादू को बहुत सैड हो गया, तो दादी ने दादू को बोला कि इस साल वो फरसान बनाएगी, पर क्या है ना नूपुर आंटी, प्रॉब्लम ये है कि दादी के घुटनों में बहुत दर्द है। अभी आप ही सोचो, दादी के घुटनों में दर्द है फिर भी वो फरसान बनाएगी। अभी मैं तो दादी के घुटने नहीं दबा पाऊंगी ना, क्योंकि वो मेरे को दबाने ही नहीं देंगी। इसके लिए मैंने सोचा आपकी आई के घुटने दबा देती हूँ, कम से कम इनको तो अच्छा लगेगा। दादी के घुटनों में कितना दर्द है फिर भी वो फरसान बनाएगी, नहीं तो बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। दादू को और भी ज्यादा सैड हो जाएगा, क्योंकि उनकी तबीयत बराबर नहीं है ना। वो बाहर का शक्कर पारा, नमक पारा, गुजिया, चकली, बेसन के लाडू, नारियल लाडू, ये सब नहीं खा पाएंगे, नहीं जमेगा ना उनको। पर कोई बात नहीं, अभी होता है तो होता है, बाहर से आएगा तो आ जाएगा, देखते हैं। है हो जाता है कभी कभी। कमी कमी कमी
जिस काम के लिए गई थी वो काम हुआ? अरे सुबह काम हुआ? अरे ऐसा काम हुआ है ना, समझो चीकू का काम तमाम हुआ है। क्या, कैसे काम? कामिनी, कहाँ रह गई थी तू? दान धर्म में इतना टाइम लगता है क्या? चल मेरे साथ, बहुत काम है। देख, घुटनों के दर्द के कारण मैं कुछ ज्यादा तो बना नहीं पा रही हूँ, तो चल तू मेरी मदद कर ले। आई, आप अपने घुटनों को क्यों तकलीफ दे रही है? मैं अब भी मात्रे मिष्ठान से ऑर्डर कर देती हूँ ना सब कुछ। नहीं कामिनी, हम बाहर से मिष्ठान फरसान नहीं मंगवाते, पता है ना तुझे, तेरे बाबा नहीं खा सकते। वो क्या ऑयल होगा, क्या घी होगा, क्या कितनी मिर्ची डालते होंगे, तेरे पापा की तबीयत के लिए अच्छा नहीं है वो सब। जोशी परिवार की परंपरा है कि घर में ही मिष्ठान और फरसान बनते हैं, और नूपुर तो इस साल बनाएगी नहीं, और उसकी वजह से मैं जोशी परिवार की परंपरा को तोड़ने नहीं दूंगी। मेरे पास तो है ना कामिनी, घर की बड़ी बहू, तेरे से बनवा लूंगी। देख कामिनी, अरे थोड़ा बहुत तो बना सकती है ना, मैं बताती जाऊंगी, तू बनाती जाना। आई, मेरे हाथों में आपके जैसा जादू कहाँ है, वरना अब तक मैंने सब कुछ बना के रख दिया होता। और परंपरा टूटनी नहीं चाहिए, पर परंपरा फीकी भी नहीं पड़नी चाहिए ना। कुछ फीका नहीं पड़ेगा कामिनी, अब तो चल। नूपुर आंटी ने ना अखा दिन लगा कर ये सब बनाया, बहुत मेहनत की है ये सब फरसान बनाने में, तो ये सब खराब नहीं होना चाहिए, उनकी मेहनत बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ चीकू बिटिया, नूपुर मैम ने इतनी मेहनत से सारा फरसान बनाया है, तुम उनकी मेहनत को खराब कैसे होने दे सकता हूँ? मैं सब कुछ अच्छे से संभाल के रखूंगा और कुछ भी खराब नहीं होगा, समझी? नुत्ता का, नूपुर आंटी ने बोला है हर साल जो दिवाली को होता है ना, इस साल भी वही होगी। होगा मंजे? होगा। नूपुर ने सब कुछ वैसे ही बनाया जैसे मैंने उसको सिखाया और जैसे शशि को पसंद है। खुशियों की महक दूर से ही आ जाती है, और आज मुझे इस घर में दिवाली की खुशियों की महक आ रही है। नूपुर और मिलिन के रिश्ते में जो खटास है, वो भी अगर मिठास में बदल जाए तो उसे अपने आशीर्वाद से मिठास में बदल दो सुख करता। जो परिवार अपनी परंपरा को बचा सकता है, वो परिवार अपने रिश्तों को भी निभा लेता है। उम्मीद की किरण जागी है, उसे खुशियों की रोशनी से भर दो विघ्नहर्ता। नूपुर आंटी और दादी के बीच में पट्टी कराने के वास्ते थैंक यू पापा जी। अब बस नूपुर आंटी और बाकी फैमिली भी एक हो जाए, फिर सब एकदम टिप टॉप हो जाएगा। आज बहुत दिनों के बाद चैन की नींद आएगी, थक गई हूँ, जाकर आराम करते। गुड नाइट आई। ये चीकू और नूपुर की जोड़ी तो तोड़नी पड़ेगी, वरना मेरी सारी प्लानिंग वेस्ट हो जाएगी। हेलो, मेरा काम हुआ? ठीक है, मैं कल मिलती हूँ। घर का एड्रेस है तुम्हारे पास, टाइम पे आ जा। कल से दिवाली के पटाखे फोड़ना शुरू करूंगी, और उसके बाद होगा बड़ा धमाका। ये अच्छा लगा है, हर एक दरवाजे पे तोरण लगने चाहिए फ्रेश फूल के, और दिए मंगवा लिए ना, पूरा घर दिए से जगमगाना चाहिए। और जो झालर आई है ना नई, पुरानी सारी निकाल दो, नई झालर लगवा दो सब जगह पे। आई बात समझ में? जाओ जल्दी जल्दी काम करो। दादू, नमक पारा तो पुरानी ने ना बहुत प्यार से बनाया। हेलो,
अरे रंगोली तुम क्यों बना रहे हो? चौखट पे रंगोली घर की लक्ष्मी जो बहु बेटियां होती है ना वही बनाती है। ये मुझे दे दो, तुम जाओ अपना काम करो। ओके। ये सारी चीजें आपने बनाई हैं। अपुन से इकट्ठी कर ली पापा जी, पर अगर मेरी असली मम्मी ने मेरे को कचरे के डिब्बे में नहीं फेंका होता ना, आज मैं भी अपनी मम्मी के साथ ऐसी ही रंगोली बना रही होती, अपनी फैमिली के साथ अपने घर में हैप्पी दिवाली मना रही होती। अब मेरे को मेरी असली मम्मी से मिलवा दो ना पापा जी, मेरे को एक नहीं दो नहीं तीन भी नहीं, मेरे को बहुत सारी बातें करनी है उनसे, जो रोज मेरे सपने में आती है, बहुत कुछ पूछना है उनसे। मेरे को मालूम है आपको बहुत काम रहते हैं, पर एक बार मेरा नंबर लगा दो ना पापा जी, बस एक बार मेरे को मेरी असली मम्मी से मिलवा दो। टेंशन नहीं है, तब तक मैं अपनी नुपुर आंटी को हैप्पी देखकर हैप्पी रह लेगी। बन पी लीजिए, एक बार मेरे को मेरी असली मम्मी से मिलवा दो। आई, बहुत सुंदर लग रही है ना रंगोली? बहुत सुंदर है। नमस्ते, मैं ज्वेलर दास कमल पटेल का मैनेजर हूँ। आपने जो ऑर्डर बुक किया था उसका डिलीवरी के लिए आया हूँ। अरे सबने थोड़ी ना ऑर्डर किया था, मैंने किया था। आइए ना, अंदर आइए, संभाल के लाइए उसे। चलो चलो आइए, लाइए इधर, रखिए यहाँ पे, रखिए संभाल के। हाँ कीजिए, सब बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा, अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए।
ये सब क्या है कामिनी? आई, ये मेरी कई सालों की इच्छा, मेरी कामना, मेरा मन, मेरा दिल है। पायल जाने के बाद में हमने किसी भी दिवाली पे लक्ष्मी जी और गणपति जी की ऐसे पूजा ही नहीं की है जैसे हम पहले किया करते थे। आई, आपको याद है हमारे जो इतने सारे जनरेशन से पुश्तैनी गहने हमारे पास है, उनको हम सिर्फ और सिर्फ माता रानी को सजाने के लिए, उन्हें पहनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम हर दिवाली पे लक्ष्मी जी को वो सारे गहने पहना के उनका श्रृंगार करते थे, उनकी पूजा करते थे, और कितना अच्छा लगता था ना। पर पायल जाने के बाद में तो हमने जोशी परिवार की ये जो परंपरा है वो तो जैसे बंद ही कर दी, और इसीलिए शायद हमसे भगवान रूठ के आई, और हमारी गलती हमें रियलाइज करवाने के लिए शायद इतने सालों में जो हमने प्रॉब्लम्स, तकलीफें, सब कुछ देखा वो शायद इसीलिए हो। हमारा परिवार टूटकर बिखरने की कगार पे आ गया है, और इसीलिए तो मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी की इतनी सुंदर मूर्ति ऑर्डर की थी, ताकि हम हर साल की तरह जैसे जोशी परिवार की परंपरा है वैसे ही पुश्तैनी गहने लक्ष्मी जी को पहना के उनका फिर श्रृंगार करें, और सारी पूजा वैसे ही करें जैसे सालों से करते आए हैं। आई प्लीज, क्या हम फिर जोशी परिवार की वो परंपरा शुरू करें? यही तो उम्मीद है इस परिवार को टूटकर बिखरने से बचाने की। प्लीज आई, ये पूजा हमेशा जैसे होती थी, हमारे पुराने गहने पहना कर लक्ष्मी जी का श्रृंगार करना, और फिर उसके बाद दिवाली की पूजा, आई उसके परमिशन दे दीजिए ना। प्लीज आई, प्लीज। इस साल हम ये पूजा जोशी परिवार के परंपरा के अनुसार करेंगे, पूरे धूमधाम से हम ये पूजा करेंगे। अगर हमारे परिवार की खुशियां वापस आ सकती, ये पूजा मुझे एक पैर पर खड़े होकर भी करनी पड़े तो वो भी करने के लिए मैं तैयार हूं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।